हेलो बच्चों, तो बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे आप ट्वेल्थ के व्यू से समझिए या कंपटीशन के व्यू से, दोनों ही के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक सब ऐसा है जो ट्वेल्थ हो या कंपटीशन, दोनों में क्वेश्चन आएगा ही। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का, लेक्चर नंबर 1, जो कि अब आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसीलिए आप अटेंडेंस के ख्याल से ना डरें। यदि आपको कॉलेज में रहना जरूरी है तो आप कुछ दिन तक फॉर्मेलिटी निभाएं, क्योंकि ये जो भूचाल आया है, ये भूचाल का अंत बहुत ही जल्द है। इसीलिए आप कभी भी डरे नहीं। जो जुगों से कोई सिस्टम संभला नहीं, उससे अब क्या संभालने वाला। इतना पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाने के बाद अब ये संभालना नामुमकिन है, सिर्फ एक सरकार का नौटंकी है। तो चलिए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री, वेयर वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन, सिंबलाइज यही हम कर देते हैं, ROR। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म, रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। उसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानेंगे। छोटा छोटा डिफिनेशन आपको बहुत अच्छा से याद करना है, और खास के जो लोग बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड के हैं, यानी जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और अभी अभी इंग्लिश में आए हैं, उस सब ये सब डिफिनेशन आपको मजे मजे से आपको याद करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसमें इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी फास्ट और दूसरा क्या कहिएगा? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है फास्ट का मतलब बहुत तेज। तो वैसा रिएक्शन जिसके कंप्लीट होने में 10^-14 से 10^-16 सेकेंड लगे, रिएक्शन कंप्लीटेड इन, कंप्लीटेड इन 10^-14 टू 10^-16 सेकेंड, उसी को कह दीजिएगा ये फास्ट रिएक्शन है। जितने भी आयोनिक रिएक्शन है, ये सब का सब फास्ट रिएक्शन है। तो
तो चलिए आपको नोट करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस तो कम है। ठीक है, कर लिए कर लिए कर लिए, मिटा दूं मिटा दूं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में किस बात का स्टडी होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और उसको इफेक्ट, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, इस बात का स्टडी जहां पे किया जाए उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट के आधार पे रिएक्शन को डिवाइड किए। और क्या आपको सिखाए, जो 10^-14 से 16 सेकंड में जो काम हो जाए, जो रिएक्शन हो जाए, उसी को कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल आयोनिक रिएक्शन, नेम से ही आयोनिक, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें आयन पार्टिसिपेट हो, NaCl एक्वास, AgNO3 एक्वास, AgCl, ये सॉलिड बन जाता है उजला उजला व्हाइट, NaNO3 एक्वास। देखिए ये आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अभी समझिए, ये आयनिक कंपाउंड है। जैसे ही ये सॉल्यूशन में हम बात करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, इसी तरह से ये Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। अब ये जो है AgCl, ये प्रिसिपिटेट रहेगा बच्चों, ये टूटे टूटा हुआ नहीं मिलेगा, सॉलिड PPT, कैसा व्हाइट व्हाइट PPT, लेकिन फिर ये Na प्लस और NO3 के माइनस में रहेगा। तो यहां जो ये इससे मिल गया, ठीक है, और ये इससे मिल गया आयनिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लें, रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच यदि रिएक्शन हो, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों मिला तो साल्ट बना NaCl प्लस H2O। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन और दूसरा बात कर लेते हैं वेरी स्लो का। पहले वेरी स्लो रिएक्शन, तो इसमें ये जो रिएक्शन है इसमें घंटों महीनों साल लगेगा। रिएक्शन कंप्लीटेड इन मंथ, ठीक है, ईयर, यदि महीना और साल लग जाए रिएक्शन के कंप्लीट होने में तो हम कह देंगे ये कौन सा रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, कुछ दिन लग जाए तो कह देंगे ये वेरी स्लो रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, हां, लेकिन अब इतना क्यों कह रहे हैं जो नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इतना स्लो होगा, इतना स्लो होगा जो पता ही नहीं चलेगा जो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि पढ़ाए, पिताजी कह रहे हैं जो बेटा एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, और उसको तो महीनों साल लग जाता है। तो पढ़ाई एक कैसा है हम लोगों का,
वेरी स्लो रिएक्शन है। तो इसीलिए कहते हैं जो ये इसका रेट मेजर नहीं, लेकिन ये मेजरेबल है। और इसके बारे में जानकारी थोड़ा दे दें, ये जो रिएक्शन है रेट ऑफ सच रिएक्शन, सच मतलब कौन, आयनिक के बारे में, मतलब वेरी फास्ट के बारे में, सच रेट ऑफ सच रिएक्शन नॉट मेजरेबल, ये संभव इसका नहीं है, इंपॉसिबल है। रिएक्शन ऑफ सच रिएक्शन कंप्लीटेड इन मंथ ईयर डेज, तो ये हो गया वेरी फास्ट, सॉरी वेरी स्लो। रेट ऑफ सच रिएक्शन मेजरेबल, ये संभव है। एग्जाम्पल रस्टिंग, नाम सुने हैं कभी जंग लगना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जंग लगना, ये वेरी स्लो रिएक्शन है। दूसरा H2 और O2 का यदि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो RTP, क्या बनेगा H2O, है ना बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रूम टेम्परेचर पे, ये वेरी स्लो रिएक्शन है। चलिए अभी एक और रिएक्शन बच गया, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर बच्चों जो है वे हम लोग कहेंगे स्लो रिएक्शन, या इसी को कह दीजिए मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे मेजरेबल रेट से चले, जिस रेट को हम मेजर कर सकते हैं, सच रिएक्शन प्रोसीड्स, यदि थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करेंगे, जो सर अक्षर जो है सो थोड़ा बड़ा कीजिए। सच रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मेजरेबल रेट, मेजरेबल रेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन, उसको ही किस नाम से जानेंगे, स्लो रिएक्शन। यही हम लोग मैकेनिज्म में जाकर के जो RDS कभी नाम सुने होंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इट इज रेट डिटर माइनिंग स्टेप, यानी RDS रिएक्शन। एग्जाम्पल में डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 का टूटना, तो H2O2 यदि टूटता है तो H2O प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए, कहा जाए जो ये कैसा रिएक्शन है, तो स्लो रिएक्शन। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 जो टूटता है, अब याद रखना पड़ेगा बच्चों जो ये कैसे टूटता है, NO2 प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए, 2 यहां 4 लगा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर RCOR- प्लस H2O, यही ईस्टर है, तो ये बनेगा RCOH
और प्लस आर डाइस ओ एच, तो ये जो हाइड्रोलाइसिस है ईस्टर का, ये स्लो रिएक्शन है। तो इस तरह से बच्चों इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का फिनिश कर लिए। आप लोगों को ये प्लेलिस्ट मिलते जाएगा, इसमें जो भी बच्चे क्लास छूट जाए तो टेंशन नहीं लेना है आपको, अब कंटिन्यू अपलोड हम करते रहेंगे। सीरियल भाई ये लेक्चर नंबर 1 था। इस तरह से नेक्स्ट क्लास बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए।